हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं कुणाल और स्वागत करता हूं आप सभी का केएस टीवी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप जो भी फोटोज या फिर वीडियोस अपने कैमरा से लेते हो या फिर कोई भी तरह का आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हो, तो ये सभी इमेजेस और वीडियोस बाय डिफॉल्ट डीसीएम के अंदर ही क्यों स्टोर होते हैं? क्या ऐसा मैजिक है इस डीसीएम के फोल्डर में कि सभी के सभी इमेजेस और वीडियोस इसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं? और ये डीसीएम ऐसा नाम क्यों गिरा होगा? क्या है फंडा इस डीसीएम के पीछे? जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीसीएम के रिलेटेड सारी की सारी बातें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको DCIM का फुल फॉर्म बता देता हूं। DCIM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कैमरा इमेजेस। ये एक डायरेक्टरी की तरह होता है या फिर आप इसे फोल्डर भी कह सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है किसी भी कैमरा या फिर आपके स्मार्टफोन या फिर किसी भी मेमोरी कार्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और इसी के अंदर हमारी इमेजेस, फोटोज, वीडियोस स्टोर होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस DCIM करके फोल्डर को डिलीट कर दे तो क्या होगा? अगर आप इस DCIM नाम के फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो इस फोल्डर के अंदर जो प्रेजेंट डेटा है, जो भी आपके इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए या फिर स्क्रीनशॉट्स हो गए, वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मेमोरी कार्ड या फिर स्मार्टफोन से कोई फोटो खींचोगे या फिर अपना डिजिटल कैमरा यूज करोगे, तो ये ऑटो क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि एक्सप्लेन करता है कि एक फोल्डर होना चाहिए किसी भी कैमरा, स्मार्टफोन या फिर मेमोरी कार्ड के अंदर, जिसके अंदर वो सारी की सारी इमेजेस बाय डिफॉल्ट ही स्टोर होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक ये जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जानने से पहले आपको DCF क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, DCF का मतलब होता है डिजाइन रूल फॉर कैमरा फाइल सिस्टम्स। ये एक तरह का सिस्टम है जो कि पूरी तरह से डिफाइन करता है कि इमेजेस किस तरह से स्टोर होनी चाहिए, उनके नाम किस तरह से रखने चाहिए, और पूरा का पूरा जो इमेजेस के रिलेटेड जो कन्वेंशंस है वो सारा का सारा इस सिस्टम के अंदर डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इमेजेस या फिर वीडियोस को इंपोर्ट करना चाहे तो उसे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि जो इमेजेस है वो सब DCIM के फोल्डर के अंदर ही है, ताकि वो इंपोर्ट करने में उसे कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये DCF करके जो सिस्टम है वो बनाया किसने? तो दोस्तों, इसे बनाया है JEIT करके एक एसोसिएशन ने, जिसका नाम है जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो ये एक टाइप का एसोसिएशन है जो उस टाइम पे काम कर रहा था एक अच्छे फाइल सिस्टम के ऊपर, और उन्होंने ही उसी टाइम पे ये रूल्स बना दिए थे जो कि आज तक सभी के सभी कंपनीज जो भी स्मार्टफोन, कैमरा या फिर मेमोरी कार्ड डिजाइन करते हैं, इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, और इसीलिए हमारे जो इमेजेस है वो सारे के सारे DCIM करके फोल्डर में ही स्टोर होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो दोस्तों, यही है सारा फंडा DCIM को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो DCIM को लेकर के डाउट था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। और आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।